क्वेश्चन नंबर 76, एक सफियर होलो सफियर दिया हुआ है, वो इनिशियली रेस्ट पे है, यहाँ से इसको छोड़ रहे हैं। जब ये होलो सफियर जो है रोल करके नीचे आ रहा है, एक तो इसका हमें बताना मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू कितनी होगी टू प्रिवेंट स्लीपिंग, कि स्लीपिंग को प्रिवेंट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आधी कर दें जितनी मिनिमम आती है फर्स्ट पार्ट में, तो जब ये नीचे पहुंचेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल कितनी होगी। इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है वो एल है और इंक्लाइंड प्लेन जो है एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको जी यहाँ पे है mg को रिजोल्व करें, तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg साइन थीटा तो इधर होगा, mg cos थीटा जो है इधर होगा। नॉर्मल रिएक्शन जो वो इधर होगी, फ्रीवे डायग्राम बना रहे, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर होगी, ठीक है। स्लीपिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग मोशन है, तो फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक होगा, एफ जो है स्टैटिक होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंट्रास्लेटरी मोशन में लगाएं, एम जी साइन थीटा माइनस एफ वो किसके का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके बराबर होगा। रोटेशनल मोशन में लगाएं, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क होगा एम जी और नॉर्मल एक्शन की वजह से तो जीरो होगा, एफ जी एफ इंटू आर और किसके बराबर होगा आई इंटू अल्फा, ठीक है। और वी जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा आर के बराबर होता है, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगा, अल्फा आर के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आई अपॉन आर और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास अपॉन आर। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो इधर क्या आ जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, इससे एटम कैंसिल हो जाएगी, एम जी साइन थीटा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी साइन थीटा अपॉन हमें फ्रिक्शन निकालना था, चलो कोई बात नहीं, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वेयर। आई की वैल्यू पुट करना चाहे तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, बाद में पुट कर देते हैं, तो एफ हमें तो एफ निकालना, एफ जो है किसके बराबर है, आई अपॉन आर स्क्वेयर इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वेयर आर, ठीक है। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, आई इसको निकाल सकते हैं, एम सफियर होलो स्फीयर दिया हुआ तो 2/3 एम आर स्क्वेयर, 2/3 एम आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, एम जी साइन थीटा अपॉन एम, ये आर स्क्वेयर था, होलो स्फीयर है तो 2/3 एम आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू इसके बराबर होगा म्यू एन, एन की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा इसके बराबर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ इस आर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, इस एक एम कॉमन आ जाएगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा, इस आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और यदि एम जी इधर से ये एम जी जो है कैंसिल हो जाएगा, जो म्यू है इसको टर्म को इधर ले आते हैं, म्यू जो है वो किसके बराबर है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/3, नीचे जो है 1+2/3 है, यहाँ पे साइन थीटा और उधर से आके अपॉन कोस थीटा, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 टेन थीटा। म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो म्यू है
उसकी मिनिमम वैल्यू जो है 2/5/10θ। यदि म्यू की वैल्यू मिनिमम इतनी होगी तभी इसके अंदर प्योर रोलिंग मोशन होगी, अदरवाइज प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हमें म्यू मिनिमम निकाल लिया है, अब हमें दूसरे पार्ट्स में आते हैं। यदि म्यू की वैल्यू से कम हो जाए तो क्या होगा, स्लीपिंग होगी। स्लीपिंग होगी तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, म्यू की वैल्यू कम होने से मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। म्यू की वैल्यू आधी होगी है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। फ्रिक्शन आधा होगा तो यदि इस वाले क्वेश्चन को देखें, फ्रिक्शन यदि आधा होगा, आधा हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। दूसरे वैसे कहें, यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा तो उसकी वी ज़्यादा होगी, अल्फा कम है तो उसकी ओमेगा जो है वो कम होगी, यानी उसकी जो वी है ओमेगा के बराबर नहीं होगा, वी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये किसका केस हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लीपिंग का केस हो जाएगा, कि जो वी है, जो डिस्टेंस कवर है बाय सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होगी, जो रोटेशन की वजह से डिस्टेंस कवर है, ये वाली जो डिस्टेंस कवर है रोटेशन में, उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, एल को सेम नहीं ले सकते क्वेश्चन में, ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, बजाय इस पर कोई पार्टिकल है वो जितनी डिस्टेंस तय कर रहा है। तो एल को सेम नहीं ले सकते, एल को यदि सेम लेंगे तो पहले जैसे आता था प्योर रोलिंग मोशन में जो आंसर आता था एम जी एच के बराबर ही आएगी काइनेटिक एनर्जी। टाइम को सेम लेंगे, जो टाइम है जब वो यहाँ पर पहुँच जाएगी तब दोनों टाइम क्या होगा, सेम होगा, पर इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर की है रोटेशन लीनियर मोशन में, ये वाला जो एंगल ट्रेस है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब दोबारा आते हैं, या इसी में इक्वेशन में लगा सकते हैं, दोबारा लगा लेना। फाइंड द, हमें एक्सेलरेशन निकालना, अब की बार क्या हो रही है, स्लीपिंग हो रही है, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्लीपिंग हो रही है, वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे न्यूटन्स लॉ मोशन में करते हैं सिंपल वैसे ही करना, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, ये म्यू डैश हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, एम जी कॉस थीटा वो किसके होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, जी साइन थीटा म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो इसका क्या हाफ है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 2/5 10θ, इसका हाफ कर दिया हमने, म्यू की वैल्यू इतनी है, म्यू डैश की वैल्यू इतनी है, जी कोस थीटा वो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, जी साइन थीटा जो है कॉमन आ जाएगा, 4/5 g sin θ ये हो जाएगा। यदि फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होती 2/5 ही होता यहाँ पे, तो 3/5 g sin θ आता, पहले जो एक्सेलरेशन था वो 3/5 g sin θ था, अब फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी है तो ये फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़, एक्सेलरेशन जो है बढ़ गया है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है बढ़ गया है, तो नीचे तक पहुंचने में ये कितनी लेंथ जो है ट्रेस करेगा ये निकाल लेते हैं, इस कितना टाइम लेगा, लेंथ वेलोसिटी निकालें, वो किस लेंथ ही निकालें, लेंथ जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है उसका फार्मूला लगाएं, ut + ½t² यू तो जीरो है, ये लेंथ के बराबर है, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है 4/5 g sin θ के बराबर है, इंटू t² की वैल्यू या t की वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा 5/5L/2g sin θ√ ये हो जाएगा। वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो किसके बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू टी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कितना है 4/5 g
साइन थीटा के बराबर है और टाइम जो है हमारा इसके बराबर है, फाइव बाई टू एल जी साइन थीटा इसके बराबर। काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी सी एम इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर जी साइन थीटा, सॉरी 16/25 जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये वाली लेंथ इसका स्क्वायर, और वो किसके बराबर होगा, इंटू 5/2 एल जी साइन थीटा, ये हो जाएगा 5/2 एल जी साइन थीटा। जी साइन थीटा से ये कैंसिल हो जाएगी एक टर्म, ठीक है, वापिस आते हैं, इसके आगे करते हैं। जो काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, हाफ एम 16/25 जी साइन थीटा इंटू 5/2 इंटू एल, इससे ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4/5 एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इससे हो जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट तो एल ही होगा, आप ये वाला जो फार्मूला है आप सीधा ये वाला फार्मूला लगा के भी निकाल सकते थे, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as की जगह एल है तो ये जीरो है, तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वेयर के बराबर भी होगी। उससे भी निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू पुट कर दो, हाफ एम वी स्क्वेयर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है, एफ इंटू आर, वो किसके बराबर, आई इंटू अल्फा, एफ एफ तो किसके बराबर है, म्यू डैश एम जी कोस थीटा आर, स्फीयर है, होलोस्फीयर है 2/5 एम आर स्क्वेयर इंटू अल्फा, न्यू डैश की वैल्यू किसके बराबर थी, हाफ लेनी है हमें, इसका हाफ लेनी है तो 2/5 थी, टेन थीटा था ये तो 1/5 टेन थीटा, एम जी कोस थीटा आर इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वेयर अल्फा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा को कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं, अल्फा की वैल्यू जो है ये इधर आ जाएगा 3/10 जी साइन थीटा अपॉन आर, इसके बराबर हो जाएगी 3/10 जी साइन थीटा अपॉन आर। एंगुलर वेलोसिटी निकालें, वो किसके बराबर होगी, 3/10 जी साइन थीटा अपॉन आर इंटू अल्फा इंटू टी होगी, ओमेगा जो है वो किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू टी, टी जो है टी की वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी, जो टी है वो किसके बराबर आएगा हमारा, फाई एल अपॉन टू जी साइन थीटा अंडर डी रूट, यहाँ पे टी की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, तो 3/10 जी साइन थीटा अपॉन आर इंटू टी, टी की वैल्यू है
पाई एल अपॉन टू जी साइन थीटा, ठीक है, इसके बराबर होगी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, हाफ आई, आई जो है टू बाई थ्री एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा की वैल्यू ये है 3/10 जी साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वेयर इंटू 5L/2 जी साइन थीटा, इसके बराबर हो, ओमेगा स्क्वेयर कर दिया मैंने तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से 3 उसमें है तो 1/3 एम आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, जी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 10 का स्क्वेयर इंटू 5L/2 जी साइन थीटा, इस जी साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये करेंगे तो 5 20 आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 है तो 9 भी है ऊपर, एक यहाँ पे एक 9 की टर्म है तो इसको करेंगे तो ये 3 आ जाएगी, तो 3/40 जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा इंटू एल, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या इसके बराबर होगी, टोटल निकालनी है हमें, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 4/5 एम जी एल साइन थीटा प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/40 एम जी एल साइन थीटा, इसमें से एम जी एल साइन थीटा जो है कॉमन आ रहा है, अंदर वो चाहो एलसीएम जो है इसका 40 हो जाएगा, 5 × 40 से 32 हो जाएगा प्लस 3, ये 35/40 को 7/8 एम जी एल साइन थीटा, यदि प्योर रोलिंग होती तो ये एम जी एल साइन थीटा आता, यानी लॉस में कितना चली गई है एनर्जी, 1/8 एम जी एल साइन थीटा जो है वो एनर्जी लॉस हो गई है, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन की वजह से कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। और इसमें ध्यान में रखना है कि ये वाली जो जब ये नीचे जा रहा है तो दोनों का एलसीएम नहीं है, तो प्योर रोटेशन वाले में फार्मूला आप ये नहीं लगा सकते, ओमेगा स्क्वेयर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वेयर या जीरो का स्क्वेयर 2 α/δ θ, अल्फा पता ही नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया वो नहीं पता हमें, हाँ टाइम पता, जब ये नीचे जाएगा तो टाइम पता है, तो पहले वाली इक्वेशन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ टाइम, वहाँ से हम टाइम निकालो, अल्फा निकालो, वहाँ से ओमेगा निकालो, ओमेगा निकाल के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, तब आंसर जो है वो आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।